जिला कोर्ट परिसर में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका ने अपने टैक्स संबंधी मामलों का निराकरण किया। वहीं जल प्रकोष्ठ ने भी अपने जलकर संबंधी मामलों को यहां पर निपटाया। वहीं यहां पर एक दंपत्ति ने भी अपने पारिवारिक मामले को निपटाकर आगे की सफल जिंदगी जीने की बात भी कही। बता दें कि इस दंपत्ति की शादी तकरीबन 10 साल हो गए हैं। वहीं कुछ आपसी परेशानियों एवं गलत फहमियों के चलते यह दोनों अलग अलग रहने को मजबूर हो गए थे, जिन दोनों ने आज लोक अदालत में आकर अपने प्रकरण को खत्म कर सदैव साथ रहने की बात कही। मेरा नाम अजय पाटकर है, आप जयश्री पाटकर। बताएं ये क्या मामला था, क्यों आप दूर हो गए थे एक दूसरे से? सर दरअसल क्या है कि पति पत्नी के बीच में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा घर में कहा सुनी जो सास बहू के बीच में हो जाती है, उस कारण बस आज से 2-3 महीने पहले इन्होंने अपने पापा मम्मी को फ़ोन लगाया और प्रकरण को ना समझते हुए वो इस तरह की कानून कार्रवाई हो गई। बाकी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों का यहाँ पर जिन्होंने रिश्ता जोड़ने की बात करी। और एक संदेश देना चाहूँगा कि पति पत्नी के बीच में तो बहुत प्रेम होता है, दरअसल क्या है कि जो माँ बाप होते हैं वो थोड़ा सा पति पत्नी को समझने का मौका दें, गलत सलाह की वजह से ये स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। और हमारे बीच में बहुत प्रेम और 10वां साल चल रहा शादी को और किसी क्या इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है बड़ों का, उसके कारण क्या बच्चे नहीं समझ पाते, ना समझी में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं। बस यही कि माता पिता को ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए बच्चों के जीवन में, तो सब ठीक है। और कुछ हस्बैंड वाइफ को भी समझना चाहिए कि ठीक है बड़े हैं जो बोल रहे हैं उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने, तो हमें अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए, रिश्ते पे ध्यान देना चाहिए।